नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ईश्वरा मिस्ट्री। दोस्तों, पहले के ज़माने में फांसी देने का कानून नहीं था। तब अपराधी को सजा देने के लिए आग में जिंदा जलाए जाने से लेकर उनके शरीर के हिस्से काटने तक की सजाएं सुनाई जाती थी। उसके बाद दोषी के ऊपर थोड़ी दया दिखाई गई और उनका गला दबाने से लेकर ऊंचाई से फेंकने जैसे तरीकों को आजमाया गया और इस तरह की सजा को स्टैंडर्ड ड्रॉप कहा जाता था। और ऐसी सजाएं देने के बाद साल 1872 में अपराधी को सजा देने के लिए कोर्ट ने फांसी का कानून जारी किया था। और दोस्तों, आपको पता ही होगा कि फांसी किस तरह से दी जाती है और उस पर लटकने के बाद किसी भी दोषी का बचना ना के बराबर होता है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इंग्लैंड में जॉन ली नाम का एक ऐसा व्यक्ति मौजूद था जिसे 3 बार फांसी पर चढ़ाने के बाद भी कानून तो क्या, मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तो चलिए जानते हैं इस आदमी की रहस्यमयी कहानी के बारे में। दोस्तों, जॉन ली का जन्म साल 1864 में इंग्लैंड के अबट्सकर्सवेल में हुआ था। जॉन ली वहां पर एक महिला के घर में नौकर का काम करते थे। इतना ही नहीं, 15 नवंबर 1884 में मात्र 20 साल की उम्र में ही उसे अपने मालकिन के ही कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। ये वही मालकिन थी जहाँ पर जॉन नौकर का काम करते थे। लेकिन जॉन बार बार पुलिस को यही कह रहे थे कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन ब्रिटिश पुलिस ने जॉन को कोर्ट में पेश कर दिया और तो और कत्ल के सारे सबूत जॉन ली के खिलाफ थे, क्योंकि जॉन कत्ल के दौरान उस जगह पर मौजूद था और वो खुद घायल भी हुआ था। इसीलिए कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुना दी। उसके बाद भी जॉन अपनी बातों पर अड़े रहे कि उन्होंने ये खून नहीं किया और बार बार बोलते रहे कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया और अगर इस दुनिया में भगवान है तो वो मुझे ज़रूर बचा लेंगे, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। जेल में फांसी का इंतजार करने के बाद आखिरकार 23 फरवरी 1885 के दिन जॉन ली को फांसी देने का समय आ ही गया। पुलिस ने जॉन को फांसी देने की सारी तैयारी कर ली थी और जॉन को बुलाया गया और उनका मुंह ढकने के बाद गले में रस्सी लटका दी गई। उसके बाद पुलिस ने जैसे ही फांसी का फंदा खींचा तो जॉन के नीचे का दरवाजा खुला ही नहीं, जिसमें गिरने से उनकी मौत होनी थी। पुलिस ने बार बार हैंडल को ऊपर नीचे किया लेकिन फिर भी वो दरवाजा नहीं खुला। इसलिए पुलिस ने जॉन ली को दूसरे दिन फांसी देने का फैसला किया। लेकिन दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, वो दरवाजा फिर से नहीं खुला और पुलिस ने तीसरी बार भी जॉन ली को फांसी देने की कोशिश की, लेकिन तीसरी बार भी वो दरवाजा नहीं खुला। ये देख के पुलिस पूरी तरह हैरान हो गई थी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि इतनी बार फांसी पे लटकाने के बाद भी कोई इंसान जिंदा बच सकता है। पुलिस ने सोचा कि आखिर ये दरवाजा क्यों नहीं खुला, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। फिर पुलिस ने तहकीकात करके इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश की तो ये पता चला कि लोहे के एक टुकड़े के कारण ये दरवाज़ा जाम हो गया था और इसीलिए ये नहीं खुल रहा था। लेकिन जब कोर्ट को पता चला कि 3 बार फांसी देने के बाद भी जॉन नहीं मरा तो उन्होंने सोचा कि जब जॉन को फांसी की सज़ा सुनाई गई उन दिनों फांसी के इंतज़ार में वो हर पल अंदर ही अंदर मर रहा था। और जज का मानना था कि जॉन की सजा के लिए इतना ही काफी है, जिसकी वजह से जॉन ली को छोड़ दिया गया। लेकिन उसके बाद से जॉन कहाँ गया ये किसी को भी पता नहीं चला।
इतिहास का एकमात्र ऐसा इंसान था जॉन ली, जिसने मौत को भी जीत लिया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है, उसको एक ना एक दिन तो मरना ही होता है। और दोस्तों, मौत को जीतने वाले जॉन ली की साल 1945 में 80 साल की उम्र में अमेरिका में मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन जॉन ली की बात सच हो गई कि अगर मैं निर्दोष हूँ और मैंने कुछ गलत नहीं किया होगा तो भगवान मुझे बचा ही लेंगे। दोस्तों, इस बारे में आपको क्या लगता है, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये थी कुछ रहस्यमय बातें जॉन ली के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों, यहाँ हम आपके लिए ऐसी ही रहस्य से भरी वीडियो लाते रहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का।